मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ से। एक अनुरोध है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, जिससे नई नई विधि की जानकारी आपको मिलती रहे। आज का महत्वपूर्ण विषय है दहेज के बारे में। प्राय आपने सुना होगा, ये दहेज होता क्या है। दहेज एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो कई बार लड़के पक्ष के द्वारा, जब लड़की की शादी उनसे तय हो जाती है, अब लड़की के परिवार वालों से मांगा जाता है। कोई मोटरसाइकिल मांगता है, कोई कार मांगता है, कोई पैसा मांगता है। तो इससे ये दहेज देना और लेना दोनों एक तो अपराध है, पहले ये आपको जानना चाहिए। दूसरा, दहेज समाज की ऐसी एक बुराई है जो कई समाजों में इसी के कारण शादी बाद में टूट जाती है, पत्नी को परेशान किया जाता है और वो आत्महत्या तक कर लेती है। तो ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो था, ये 1961 का एक कानून बनाया गया जिसमें दहेज देना और लेना दोनों अपराध है। अब जैसे लड़की पढ़ रही है, लड़की के पिता ने उसको उसके नाम से कोई सेविंग खाता खोल दिया, वैसा बचत खाता खोल दिया, FDR करा दी कि ये शादी के समय काम आएगा, उसे स्कूल में जाने के लिए साइकिल दे दी, स्कूटी दे दी, कुछ हाथ खर्चा दिया, मोबाइल दे दिया, ये आजकल की आवश्यक चीजें हैं। तो वो सब जब शादी के समय या तो लड़की को वो सारा सामान और उसके अलावा भी 10-20-25 लाख रुपए वो खुशी से उसके लिए संग्रह करता है, उसका पिता वो देता है, उसको दहेज नहीं माना जाता, ये बल्कि स्त्री धन है। ये आपको जानना चाहिए, स्त्री को उपहार में दिए जाने वाला जो धन है वो स्त्री धन कहलाता है। और इस पर स्त्री का, जो महिला शादी के बाद पति के घर जाती है, उसका पूरा एक्सक्लूसिव राइट है, पूर्ण अधिकार उसको होता है स्त्री धन जैसे चाहे खर्च करे। उस पर पति का या परिवार वाले जो ससुराल पक्ष के, उनका कोई अधिकार नहीं होता। दहेज की ये कुप्रथा के कारण जिन जिन जगह समाज में दहेज मांगा जाता है, कई भ्रूण हत्या हो जाती है। दूसरा, कन्या भ्रूण हत्या, कम उम्र में जैसे विवाह कर दिया, फिर दहेज की प्रताड़ना झेलनी पड़ी, दहेज की हत्या हो जाती है। कई बार घरेलू हिंसा भी होती है, पति या ससुराल के पक्ष के लोग उसके साथ प्रताड़ना करते हैं। तो ये सारे दहेज के दुष्परिणाम है। तो ये दहेज अपने आप में एक अभिशाप है, ये आम बुराई के रूप में है। इसको उपहार या खुशी से अगर कोई देता है तो वो लेना चाहिए, बल्कि मांगना नहीं चाहिए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, जैसा मैंने बताया, 1961 में भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं। एक पक्ष जब दूसरे पक्ष से मांगता है, दहेज कहलाता है, दहेज ये है। और दहेज लेना और दोनों, जैसा मैंने बताया, अपराध है। इसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। दूसरा, इसमें 15,000 रुपये तक का अर्थदंड किया जा सकता है। दूसरे, किसी आदमी ने अगर डिमांड की है दहेज की, तो उसे 2 साल की सजा और 2,000 रुपये तक का अर्थदंड है, यह भी आपको जानना चाहिए। दूसरे, फला कई जगह ये कुप्रथा है दहेज मांगने की, जो पढ़े लिखे कम होते हैं, इवन पढ़े लिखे भी लोग कई दहेज की मांग करते हैं, जो कि अपराध है। और इसमें क्या दहेज दिया गया, किसके द्वारा क्या उपहार दिया गया, इसकी एक लिस्ट बना लेनी चाहिए, उसको नोटराइज कर लेनी चाहिए। भविष्य में यदि कोई विवाद पति या पत्नी के मध्य होता है तो वो काम उस समय आ सकती है। सूची जो आपके पास है, जिस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हो, वर पक्ष की सूची, वधु पक्ष की पीछे सूची, किसने क्या दहेज या दहेज के रूप में, उपहार के रूप में दिया, ये डिस्प्यूट या विवाद पैदा होने पर काम आ सकता है। दूसरा, दहेज के झूठे मामले प्रायः देखे गए। कई बार दहेज के झूठे मामले भी लड़की पक्ष वाले लड़के पक्ष के ऊपर लगा देते हैं। तो ऐसी उपधारणा की जाती है कि ये एक समाज की बुराई है, लेकिन दहेज के झूठे मामले में आपको दहेज मांगा गया या नहीं, ऐसी कोई स्वीकारोक्ति अभियुक्ति या उसके परिवार की ओर से नहीं होना चाहिए। कोई ऐसे व्यक्ति जिनके सामने ये सब घटना हुई है, उसमें आपको काउंटर अटैक के रूप में अपने पक्ष में ही सारा प्रमाण पेश करना चाहिए, साक्ष्य प्रस्तुत करनी चाहिए। कई बार मानहानि का केस भी फिर लगाना पड़ता है कि आपकी प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा गिरी, दहेज झूठा मांगा गया, ऐसे आरोप लगाए गए, तो ये सब करना चाहिए। उसमें सबसे पहले आप चाहें तो दहेज का जब झूठा कोई मामला लगे तो ससुराल पक्ष के लोग अग्रिम जमानत कोर्ट ऑफ सेशन या कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट जुडिकेचर, जो आपके राज्य का उच्च न्यायालय, वहां से आपको अग्रिम जमानत अंडर धारा 438 CRPC ले लेना चाहिए। तो किसी भी तरह स्वस्थ और शानदार समाज के लिए दहेज एक अभिशाप है, और दहेज की मांग करना, दहेज देना और लेना दोनों अपराध हैं, यह आपको जैसा मैंने बताया जानना चाहिए। सामाजिक एक बुराई है, इसके लिए अलग से अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 भी लाया गया है। दहेज शादी में आमतौर पर प्रचलन में, स्त्री धन के रूप में भी, ये जो भी महिला को उसके पिता शादी के समय देते हैं, समाज की ये वो खुशी से देते हैं, उपहार के रूप में भी
बहुत सारा पैसा सामग्री प्राप्त होती है। तो ये स्त्री धन का एक स्त्री का एक महत्वपूर्ण अधिकार माना गया है और स्त्री को उपहार में दिए जाने वाला जो धन है वो स्त्री धन के रूप में होता है, वो दहेज से भिन्न होता है। तो ये चीजें आपको जाननी चाहिए। मैंने दहेज से संबंधित कुछ लोगों ने ये प्रश्न पूछा था तो इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मित्रों दोस्तों को भेजें। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। धन्यवाद। नमस्कार।